हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। यहाँ पर एएफसी चैंपियंस लीग का मैच हो रहा है एनवीबी वर्सेस अल हिलाल के बीच। देन बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। देन बात करें अगर हम इस मैच की, तो अल हिलाल टीम और एनवीबी में अल हिलाल टीम बहुत तेज़ है, क्योंकि अल हिलाल टीम ना एक्चुअली बहुत, मैं कहूँगा, एक बेटर टीम है। क्योंकि अल हिलाल ने पिछले मैच में भी 9 गोल किए थे भाई, जिसमें से इनके मेन स्ट्राइकर की हैट्रिक भी थी। 9 गोल करना मजाक नहीं है, जिसमें इतने सारे स्ट्राइकर होना, मिडफील्डिंग सेक्शन अलग, डिफेंडर अलग, फिर भी इतनी अच्छी गेम प्ले देना, मतलब अमेजिंग अल हिलाल टीम भाई, अमेजिंग। सऊदी अरेबियन लीग का जो आगे जाने का मेन रीज़न है वो है कि अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का खेलना। जैसे कि जो खिलाड़ी आज तक दिखते नहीं थे किसी और छोटी लीग में, आज उन्होंने, जैसे मिट्रोविक, कहाँ ये बंदा प्रीमियर लीग में खेला करता था, ठीक है। और चलो आप रोनाल्डो को ही ले लो, नेमर को ले लो यार, नेमर भाई इतना बड़ा खिलाड़ी है, मानता हूँ इंजर्ड है लेकिन टीम में तो है। एस मिलिनकोविक सेविक को ले लो, कहाँ पर था ये, लाजियो टीम में, अब कहाँ है। तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। लेकिन देखो, अभी मैं मिट्रोविक लूँगा, पिछले मैच में जोरदार हैट्रिक के बाद इसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, ये बंदा तो हैट्रिक करता ही रहता है। अभी 23 अक्टूबर को भी हैट्रिक की थी मुंबई सिटी के खिलाफ, अभी फिर हैट्रिक करके गया पीछे सऊदी अरेबियन लीग में 2-4 दिन पहले। मतलब मिट्रोविक के तो क्या ही कहने। और मेलकॉम द ग्रेट प्लेयर, नहीं मेलकॉम, मिट्रोविक में किसी एक ने हैट्रिक की थी, सॉरी मिट्रोविक ने या मेलकॉम ने की थी, मैं भूल गया हूँ, क्योंकि मैं अभी जब इनका ना इंस्टाग्राम हैंडल हमें चेक करना पड़ता है सारे खिलाड़ियों का कि क्या फॉर्म है, क्या ये इंजर्ड तो नहीं है, तो उसमें एक बंदे ने ना मतलब ऐसे की हुई थी 3 उंगलियाँ की हैट्रिक, ठीक है। तो ये फुटबॉल में एक ट्रेंड है, जब जितने गोल करते हैं, हॉलैंड ने एक बार 9 गोल कर दिए थे, उसने 9 बार 9 उंगलियाँ दिखाई थी भाई, मतलब हैरान हो गया था मैं। लेकिन क्या है कि ये मेलकॉम, शायद मेलकॉम पिछले मैच के अंदर खूब चला था, क्योंकि ये मेरा वाइस कैप्टन था मुझे याद है, और इसकी सिलेक्शन 55% थी, तो ये भी बड़ा अच्छा करके गया था। एंड ऑपोजिशन टीम की बात करें, उनके तो 2 ही प्लेयर हैं जो ठीक खेलते हैं, एक है यूरोनोव और एक इनका प्लेयर जो कभी कभी अच्छा करता है, जिसका नाम है तोमा ने 18 सितंबर को इनको गोल भी किया था, बट आई एम गोइंग विद यूरोनोव। बात करें मिडफील्डिंग सेक्शन की, तो भाई मिलिनकोविक सेविक आज आपको दिख सकता है, क्योंकि पिछले मैच के अंदर जोरदार गोल और असिस्ट करता दिखा ये सऊदी अरेबियन लीग में, बट वो मैच एक सब्स्टिट्यूशनल के तौर पे ये खेल रहा था, तो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया। उसके बाद निवस को लेना हो तो ले लो, बाकी क्या है कि इतने प्लेयर ना परेशान हो जाओगे, क्योंकि एमडी ओलिवेरिया भी थोड़ा बेटर है, तो आई एम गोइंग विद ओलिवेरिया। इफ़ यू वांट टू टेक 5 प्लेयर्स नीचे से, अगर 5 प्लेयर लेने हैं तो सलेम को भी ले सकते हो, क्योंकि सलेम अल बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत ज़्यादा अच्छा, तो इफ़ यू वांट टू गो देन जा सकते हो। बाकी मैं अभी बाद में लूँगा, पहले एक बार लाइनअप्स आने दो, क्योंकि हो सकता है कि सेविक अगर नहीं खेला तो हो सकता है मैं सलेम को लूँ। उसके बाद अगला प्लेयर है इस्कांद्रोव, इस्कांद्रोव के बाद जो मेरा नेक्स्ट प्लेयर होगा उसका नाम है भाई यहाँ पर जयसुर, ठीक है, मैं लूँगा इसको। उसके बाद डिफेंडिंग सेक्शन की बात करें, देन के कॉली बैली द ग्रेटेस्ट प्लेयर। उसके बाद वायल शहरानी, अभी खेलना इसका श्योर नहीं है, दैट्स वाई मैं अब्दी अब्दुल हामिद और ए अल मयमनी, दो मिनट, अब्दुल हामिद को मैंने पिछले मैच में लिया था, अली अल को भी लिया था, मैंने बुरेक को लिया था, 4 मैंने लिए थे, क्योंकि बुरेक बहुत अच्छी फॉर्म में। तो ऐसा करो, इफ़ यू वांट, अगर आपको नहीं लेने यहाँ से प्लेयर, मान लो अगर इस मैच में नेमर, मिलिनकोविक सेविक, सलेम अगर नहीं खेलते, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने न्यूवस को लेना है, फिर आप न्यूवस को छोड़ देना, फिर चुपचाप से अब इसको लेना ज़रूर, क्योंकि अल हिलाल का मेन प्लेयर है मोहम्मद अल बुरेक, तो अभी आप बुरेक को ही सेव कर लो। बात करें गोलकीपिंग की, तो यहाँ पर है यूसुपोव को मैं ज़रूर लूँगा। बात करें कप्तान की, कप्तान है हमारा मिट्रोविक, वाइस कप्तान है मेलकॉम। देन दिस इज़ माई टीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।